फ्रेंड्स, वेलकम टू आदि क्लासेस। दोस्तों, आज अपने यूकेजी के बच्चों के लिए मैथ सैंपल पेपर लेकर के आए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सैंपल पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट एम फॉर मैनी, एफ फॉर फ्यू, ओ फॉर वन एंड एन फॉर नन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उन पिक्चर्स में बच्चों को ये दिखाना है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर एम यानी कि मैनी है, वहाँ पर एम लिखना है, जहाँ पर क्यू है वहाँ पर एम एफ लिखना है, जहाँ कुछ ही चीज़ें हैं, जहाँ पर वन ओ है यानी कि वन है वहाँ ओ लिखना है, और जहाँ पर नन है वहाँ पर एन लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर काउंटिंग कराते हैं। तो अगर आपका बच्चा छोटा है, अगर काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो इजीली ये बोल सकता है, मम्मा ये चीज़ मैनी है, वहाँ पर मैनी लिखा जाएगा या यहाँ पर क्यू लिखा जाएगा। तो इतना तो आप बच्चे से, यू के जी के बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतना बता सकता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना काउंटिंग करना शायद उसके लिए मुश्किल हो, लेकिन ये बता सकता है ये मैनी है। तो ये मैनी है, तो यहाँ पर बच्चे को क्या लिखना होगा, एम। यहाँ पर देखिए एप्पल भी, मम्मा यहाँ पर मैनी एप्पल है, तो यहाँ पर एम लिख देंगे। यहाँ पर भी आप पूछेंगी तो आपका बच्चा ये बताएगा, मम्मा मैनी है, तो एम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आइसक्रीम बनी हुई है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर बहुत आइसक्रीम नहीं दिख रही है बच्चे को, तो ये बोलेगा मम्मा यहाँ फ्यू आइसक्रीम है, तो यहाँ पर आप उसको फ्यू फिलअप करा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप क्या कराएंगी, यहाँ पर बॉल बनाया है, आप कुछ भी पिक्चर्स ले सकती हैं, कुछ भी बना सकती हैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए। तो हमने यहाँ बॉल्स कुछ बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये बच्चे के लिए काउंटिंग मुश्किल हो सकती है, तो यहाँ पर बच्चा बोलेगा मम्मा मैनी है, तो यहाँ पर हम एम लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 4 ही बॉल्स हैं यानी कि फ्यू बॉल्स हैं, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। तो ये एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू आप बच्चे का टेस्ट ले सकती हैं, या आप उसको इस तरह से वर्कशीट बना करके दे सकती हैं सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, राइट द अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनके अपोजिट लिखने हैं, जैसे हाई का लो, फैट का थिन, अप का डाउन, कोल्ड का हॉट का कोल्ड यानी कोल्ड का हॉट, इन का आउट, हैप्पी का सैड, बिग का स्मॉल, गो का कम। तो इस तरह से कुछ अपोजिट वर्ड्स आप सिंपल दे सकते हैं बच्चे को लर्न करने को, और उससे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, काउंट ऑब्जेक्ट एंड सर्किल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट हमने बना रखे हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को बच्चे को काउंट करना और फिर उनको उस नंबर को सर्किल करना। जैसे यहाँ फ्लावर हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 फ्लावर को बच्चा यहाँ सर्किल करेगा 5 को। फिर यहाँ लीव्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4 लीव्स हैं, तो यहाँ पर 4 लीव्स यानी कि 4 पर सर्किल करेगा। यहाँ पर 2 बॉल है, तो यहाँ 2 को सर्किल करेगा। तो यहाँ कुछ ट्राइंगल बने हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ट्राइंगल हैं, तो यहाँ पर 6 को बच्चा सर्किल कर देगा। फिर यहाँ पर देखिए ये हमने गोला बनाए हुए हैं, यानी कि एग भी बोल सकते हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9, 9 एग है, तो 9 पर सर्किल करेगा बच्चा। यहाँ पर 3 क्लाउड्स हैं, तो 3 पर सर्किल करेगा। 1 2 3 4 है, 4 पर सर्किल करेगा। 1 है, तो 1 है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बच्चे को वर्कशीट के थ्रू बना करके दे सकते हैं, और बच्चे से ही बोलिए कि बेटा हम वो काउंट करके बताओ कि कितना है। तो यहाँ पर ये बच्चा बताएगा मम्मा ये 1 फिश है, मम्मा ये यहाँ पर आपका 4 मैंगो है। तो इस तरह से छोटी छोटी वर्कशीट के थ्रू आप बच्चे को मैथ्स बहुत ईजिली सिखा सकते हैं, और वो कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे को ये सब वर्कशीट करना और ये सब खेल करना बहुत मज़ा आता है, और इसके साथ साथ उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी, तो आपको इसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर्स दैट कम्स नेक्स्ट। यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, उसके बाद के नंबर को यानी कि उसके बाद क्या नंबर आएगा, ये यहाँ पर राइट करना है, लिखना है बच्चे को। यहाँ पर ये देखना है कि सीरीज़ में जो चल रहा है नंबर, वो कितनी देर के बाद आ रहा है। जैसे यहाँ 1 2 के यहाँ छोड़ा गया है, 3 के बाद 4 छोड़ा गया है, 5 के बाद 6 छोड़ा गया है, 7 के बाद 8 छोड़ा गया है, 9, तो 9 के बाद 10 छोड़ेंगे, 11 के बाद 12 छूटेगा, 13 के बाद 14 छूटेगा, 15, इस तरह 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर 3 नंबर छोड़ा गया है बीच में, 6 7 8 9, तो इस तरह से इसी तरह इसमें देखा जाएगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इस तरह से जितने नंबर के बाद छोड़ा गया है, जितना सीरीज़ जो चल रही है, उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग बच्चे को यहाँ नेक्स्ट नंबर जो भी आएगा वो यहाँ लिखना होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप बच्चे को दे सकते हैं करने को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं, लिखे हुए हैं, उनको मैथ्स में यानी कि नंबर्स में लिखना है। स्पेलिंग दे रखी है नंबर की, तो 1 1 लिखेगा बच्चा, 6 6 लिख लेगा, 2 2 लिख लेगा, डायरेक्ट 7 7 लिख लेगा। कभी आप इस तरह से दे सकती हैं, कभी आप इस तरह से भी दिख करके दे सकती हैं। डायरेक्ट ये नंबर दे दिया बेटा, यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, इसका स्पेलिंग लिख करके दिखाओ, या कभी स्पेलिंग लिखी हुई इसका नंबर लिख करके दिखाओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है बच्चे के लिए, और उसको करने में भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट नंबर 3 है, 3 4, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, राइट द बिफोर एंड आफ्टर नंबर। बिफोर एंड आफ्टर नंबर आप बच्चे से करा सकते हैं। यहाँ पर जैसे 6 लिखा है, तो उसके बिफोर क्या आएगा, 6 से पहले 5 5 के बाद, 6 के बाद क्या आएगा, 7। फिर यहाँ 5 है, तो 5 के पहले 4 5 6, 4 से पहले 3 3 के बाद, और आफ्टर नंबर 3। 10 का बिफोर नंबर 9 होगा, आफ्टर नंबर 11। 14 का बिफोर नंबर 13 होगा, और आफ्टर नंबर 15। इस तरह 6 का बिफोर नंबर 5 होगा, और आफ्टर नंबर 7। 8 का बिफोर नंबर 7 होगा, और आफ्टर नंबर 9। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे कुछ जो हमने UKG की मैथ्स वर्कशीट में ली। तो शायद ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो, और आपके बच्चे को कुछ काम आए, आपको कुछ हेल्प मिल सके अपने बच्चे को पढ़ाने में। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।